प्रधान नरेंद्र मोदी जी का 20 लाख करोड़ की पैकेज के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, गोवा के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे तभी इन डिटेल्स में एमएसएमई किस तरह से फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन में किस तरह से होगा, सभी सभी सेक्टर्स में इस तरह का किस तरह से हम यूज करेंगे इस 20 लाख करोड़ का पैकेज का, किस किन किन लोगों को किन किन सेक्टर में फायदा होगा, इन डिटेल में दिया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं सही में कहता हूं कि फिर से एक बार इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए उनका देश में और राज्य में ढेर सारा फायदा हो जाएगा। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पैकेज नहीं है, ये पैकेजिंग है। विपक्ष से तो कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, क्योंकि उनको तो देखने के लिए सब कुछ उसी तरह से दिखता है। मुझे लगता है डिटेल में गए तो हमें जो हर चीज के लिए उसका फायदा जो है, हर मैंने जो हर लोगों के लिए उसका फायदा दिखेगा। और फिर से एक बार जो हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइव होनी चाहिए हर सेक्टर में, वो इकोनॉमिक रिवाइव हो सकती है। प्रमोद सावंत जी, कई ऐसे लोग हैं जो ये सवाल जानना चाहते हैं कि जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसका भार किस पर पड़ने वाला है? आपके पास ये 20 लाख करोड़ का मुझे लगता है कि इस बार राहत की जरूरत है देश के और देश के लोगों के लिए। बस मैं मुझे एक सेकंड चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इस घोषणा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एमएसएमई सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था। लेकिन कोरोना संकट के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाली यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये अभिनंदनीय है। मैं इसका स्वागत करता हूं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है, और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है। और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहां पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि
एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, क्योंकि इसमें सब देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो यूनिट हैं हमारे पास हैं और हमारे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए लगातार। प्रमोद सावंत जी, आपने सुना योगी आदित्यनाथ बहुत प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे एमएसएमई को के अंदर एक नई जान फूंकने के कदम जो है निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए हैं। ये एमएसएमई को दिए गए लोन का फायदा गोवा को भी क्या होने वाला है और कितना? जी हाँ बिल्कुल, एमएसएमई सेक्टर का जो लोन का फायदा गोवा में भी बहुत बड़ी मात्रा से होने वाला है। इसलिए इससे पहले भी हमने स्टेट लेवल कमिटी बैंकिंग कमिटी की तो मीटिंग ले चुके हैं और इसी के बारे में एमएसएमई सेक्टर में ढेर सारे लोग काम करते हैं, ढेर सारे एमएसएमई सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज है इन सभी लोगों को, और जो स्पेशली जो एमएसएमई का डेफिनेशन इस बार चेंज करके उनकी जो उसके डेफिनेशन में चेंज करके उनके जो इन्वेस्टमेंट और उनका टर्नओवर इसमें जो चेंज किया इसकी राहत ज्यादा करके ज्यादा इंडस्ट्री को मिल सकती है और इसीलिए मुझे लगता है इसका फायदा ज्यादा एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, गोवा में इस तरह के ढेर सारे इंडस्ट्रीज है जो फायदा उठाएंगे और बिल्कुल सरकार उनको पूरी तरह से जो राहत पैकेज की राहत मिलने के लिए पूरी तरह से मदद भी करेगी। प्रमोद जी, आप ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत बड़े लेवल पर मदद कर सकता है, लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ अब से कुछ देर पहले जुड़े थे, उन्होंने ये कहा कि एमएसएमई हमेशा लोन वापस देने में कतराया, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई है बैंक और एमएसएमई के रिश्ते में, और ऐसे में जब आप बगैर गारंटी के लोन देने के लिए बैंकों को कहेंगे तो एक बड़े लेवल की इनसिक्योरिटी बैंकों में आएगी, आप कैसे उनको समझा पाएंगे? जब एक आधी पैकेज जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और उसी पैकेज के हिसाब से जब सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है कि एमएसएमई सेक्टर को लोन देने की, तो मुझे लगता है निश्चित इस पोस्ट कोविड के फेज में एमएसएमई जितने लोग काम करते हैं निश्चित रूप से हमें फिर से एक बार एमएसएमई को उभारी देने के लिए ये जो बूस्ट दिया गया है तो एमएसएमई सेक्टर में भी इसकी पॉजिटिविटी जो है ये देखे एमएसएमई से लोग लोन लेंगे भी और इसका फायदा ज्यादा करके पूरे एमएसएमई सेक्टर में होगा। प्रमोद जी, गोवा इज नोन फॉर टूरिज्म, आपके यहाँ अब एक भी केस नहीं है, आप लोगों ने कोविड 19 से इस तरह की जंग लड़ी कि कोविड 19 को वहां से जाना पड़ा है, लेकिन टूरिस्ट कब आ पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, आज के दिन हमारी स्टेट एक कोविड मुक्त राज्य है, लेकिन इस बार भी अभी हमारे जो गोवा के रहने वाले जो मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र कर्नाटक बाकी अन्य राज्य में रहते हैं उनको अभी वापस देने के हमने स्टार्ट कर दिया है, सभी लोगों को हम बॉर्डर पे चेक करते हैं, लेकिन इसके बाद अभी कोई भी आता है तो शायद वो कोविड पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए हमें डर ये बात इस बात का है कि किसी अन्य राज्य से कोई यहाँ के वापस से पॉजिटिव आके यहाँ से पॉजिटिव केसेस बढ़ भी सकती है। इसलिए इस वक्त टूरिस्ट की बात करना ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक हम कोविड देश पे एटलीस्ट कोविड का कंट्रोल होना जरूरी है और तब तक हम, मुझे लगता है इसी के बाद में हम टूरिज्म के बारे में बात करेंगे जरूर। प्रमोद जी, लेकिन टूरिज्म पर तो आपकी बहुत बड़ी आय जो है वो निर्भर करती है, तो आप लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, क्या आप इस पैकेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जैसे बाकी तमाम राज्य कर रहे थे?
जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द टूरिस्ट, और माइनिंग के बाद माइनिंग टूरिज्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसी तरह से गोवा की इकोनॉमी हमेशा रही है। और टूरिज्म में ढेर सारे लोगों के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, और इसी के हम आज जिस पैकेज के माध्यम से इनको टूरिज्म लाइन में भी ढेर सारी मदद हो सकती है। क्या आपको लगता है कि अलग अलग राज्यों को भी इस तरीके से इस पैकेज में आवंटन होगा इस पैकेज का, कि अलग अलग राज्यों को भी दिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो इस बात की उम्मीद में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी दो दिन और है, निर्मला सीतारामन किस तरीके से पैकेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर हर किसी की नजर है। अभी मुझे लगता है अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, उनके हाइलाइट्स पॉइंट्स तो अभी मिले हैं, उनके थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, उसकी स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद में ये तो नहीं हो सकता है कि इस राज्य के लिए इतना पैकेज दे दे, दैट इज नॉट सो। मुझे लगता है जो एमएसएमई हो या बाकी सेक्टर्स हो जो इस तरह से इस पैकेज का फायदा उठाएंगे, उस तरह से उस राज्य को उसका फायदा मिलेगा एज फार एज एट प्रेजेंट माई नॉलेज। ओके, थैंक यू प्रमोद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रमोद सावंत यहाँ गोवा के मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि हाँ टूरिज्म को लेकर हमें बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हम कोविड-19 को हल्के में नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए टूरिज्म पर बात भी इस वक्त करना ठीक नहीं है। शिशिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिशिर, कैसे ब्रेक करेंगे इन सारी चीजों को आप?